मध्य प्रदेश से सामने आई नाराज हाथी की एक चौंकाने वाली तस्वीर। भिंड में एक रैली में पहुंचे हाथियों में एक हाथी को गुस्सा आया और वो भड़क गया। और जब हाथी भड़का तो पूरा मैदान में भूचाल आ गया, यहां तक कि हाथी ने ट्रैक्टर को फुटबॉल की तरह उछालना शुरू कर दिया। गजराज को जब आया गुस्सा तो ट्रैक्टर की आई शामत। ट्रैक्टर छोड़कर भागा ड्राइवर। इलाके में मची अफरा तफरी। दिन दहाड़े दिल को दहला देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं। प्राइवेट बस स्टैंड के सामने पशु अस्पताल के मैदान में खड़े हाथी को अचानक एक कुत्ते को देखकर गुस्सा आ गया। कुत्ते पर गुस्सा उतारने के दौरान हाथी मैदान में खड़े ट्रैक्टर से टकरा गया। टक्कर होते ही हाथी का गुस्सा भड़क गया और वो ट्रैक्टर को करीब 20 मिनट तक खिलौने की तरह पटकता रहा। दरअसल मैदान में हमीरपुर से आए महावत गोरेलाल और गुलाम रसूल अपने हाथी को लेकर खड़े थे। इसी दौरान एक कुत्ता हाथी के नीचे से निकला और उसने हाथी को काटने की कोशिश भी की, जिस वजह से शांत खड़े हाथी को गुस्सा आ गया। लेकिन जैसे ही हाथी कुत्ते पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, वो मैदान में मरम्मत के लिए खड़े ट्रैक्टर से जा टकराया। टक्कर होते ही हाथी का गुस्सा डबल हो गया और उसके बाद तो हाथी ने बीच मैदान में जमकर हंगामा मचाया और ट्रैक्टर को फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़काने लगा। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के होश उड़ गए। हाथी पर बैठे महावत गोरेलाल ने उसे काबू करने के लिए काफी कोशिश की। हाथी जब ट्रैक्टर को पटक रहा था तो उस वक्त भी एक महावत हाथी की पूंछ खींचकर उसे रोकने की कोशिश करता दिखा, लेकिन हाथी पर महावत की कोई तरकीब नहीं चली। दरअसल ये हाथी भिंड में राष्ट्रीय जैन संत विराग सागर के पंच कल्याण महोत्सव के जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचा था। गुस्सा उतरने के बाद जब हाथी शांत हुआ तो महावत ने किसी तरह उसे जंजीरों में बांधा। ट्रैक्टर के मालिक के मुताबिक हाथी के गुस्से की वजह से उसका करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि घटना शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।